बहुत दिन के बाद हम लोग भाई सचिन सगा भाई हम लोग आईपीएल के अंदर वापस आए हैं भाई। लिटरली आज खेलने का मन कर रहा है तो बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा क्योंकि अपडेट अभी नहीं है। पर कुछ दिन पहले आया टॉस जीत गया है टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के और किया भाई अच्छी टीम में। निखिल चोपड़ा कमेंटेटर भाई ये कमेंटेटर नहीं था भाई अच्छा है बॉलिंग का ऐड किया है। आई थिंक पहले भी था निखिल चोपड़ा का कमेंट्री चोपड़ा थे पर सबसे बड़ी बात भाई अभी तक स्क्वाड अपडेट नहीं किया सचिन सगा क्रिकेट गेम के अंदर पे मतलब आईपीएल का स्क्वाड अपडेट नहीं किया करने के लिए तैयार ये सबसे बुरी बात है भाई। मतलब अभी आईपीएल चालू हो चुकी है अब तक तो कर देना चाहिए था। यहाँ पे सामने धोनी की बल्लेबाजी सीधे गेम लगी है भाई इसके अंदर गेमिंग का टाइमिंग करना बहुत ही मुश्किल भाई घिस घिस के मारना पड़ता है। अरे आउट नहीं है बैट पे टच ही नहीं अरे अंपायर ने आउट भी दे दी भाई यहाँ पे ऐसा नहीं होता ऐसे नहीं होता भाई हम लोग चैलेंज देंगे भाई कोई भी टाइम वेस्ट करने का इरादा नहीं लेना पड़ेगा यहाँ पे। पर कोलकाता का स्टेडियम भाई बहुत ही अच्छा खासा डिजाइन किया है पर हाँ और भी अच्छा खासा डिजाइन करना चाहिए था पर 824 ऐसा डिजाइन में नहीं कर पाएंगे पता है भाई। और देखते हैं आउट है कि नहीं पीछे कीपर है अभी कीपर अरे आउट है क्या बात है भाई इतना बारीकी से लिया रिव्यू हम लोगों ने फिर भी आउट हो गए वाह वाह ये कैसा हो सकता है। अरे अ बेटी पुष्पा क्या बात है बेटी पुष्पा पर पुष्पा छोड़ो धोनी आउट हो गई रन बटन में बहुत ही मुश्किल लगा है अगर बटन से होता तो उसमें भी अच्छा होता है। ये देखो टाइमिंग नहीं कर पा रहे हम लोग अरे आउट हो जाएगा सिंगल की भाई चलो सिंगल तो आ चुकी है हम लोगों को मुझे लगता है जहाँ गैप है हम लोग को वहीं पे कट खेलना है चलो ये तो कट बस सीधा फील्डर के हाथ में पागल हो गया राजस्थान के प्लेयर पे पागल ही हो गया उन्हें भी आउट ये भी टाइमिंग करना बहुत टफ हो रहा है सिर्फ दो रन आई है हम लोग कैसे हो जाए चलो चार रन है ये सिक्स है नहीं चार रन मिला भाई बाउंड्री पर बहुत मुश्किल है भाई आप लोग कैसे खेलते हो मुझे कमेंट के अंदर बताओ यार कॉन्फिडेंस आ गया भाई अच्छा हम लोग को पहले खेलना है ये टाइमिंग क्या अरे भाई RC20 वाला कैच बोलने का ये भी साउंड यहां पे आ शॉट खेलने की चाह में फील्डर को रन आते ही दूसरे रन निकल जाते हैं विकेट निकल जाता है। बैटिंग मैगी देखते हैं भाई कट खेल सकते हैं ये चार है रन की बाउंड्री मिलेगी यहां पे सिक्स मिल गई पहली बार ओ भाई साहब भाई लास्ट बॉल है और एक बाउंड्री दिला दो भाई 20 हो जाएगा हम लोग यहां अरे कैच अरे ये कैच तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है भाई लास्ट बॉल का भी कैच मिल गया भाई फील्डर को कैच दे देते 17 रन का टारगेट भाई मैंने दिया या किसी और ने दी आज क्या हम लोग को बोलिंग के लिए है सलूट पीता है भैंस का दूध उथप्पा चेन्नई छोड़ दिया अच्छा ये तो टीम भी अपडेट नहीं करते भाई मैं तो भूल जाता भाई कौन कौन आता है पर यहाँ पे बोलिंग करना थोड़ा टाइम की बात है भाई यहाँ पे पहले कैमरा ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आएगा टाइम लाइन एंड लाइन टाइम लगता है बोलिंग करने में मतलब थोड़ा बोर हो जाओगे करते करते यहाँ पे पहली गेंद टॉड गेंद भाई हम लोग जीत सकते हैं अगर ठीक ठाक बोलिंग किया तो 17 रन भी डिफेंड हो जाएगा भाई लेन तो नहीं बोलिंग करने का सिर्फ यॉर्कर बोलिंग डालने का यहाँ पे अरे कैच इट हम लोगों ने जब मारा था कैच ले लिया था पर ये तो गैप भी मार दिया पे लोग वन बाउंस चौका है भाई रुको भाई आराम से मारिए हम हार जाएंगे भाई थोड़ा बहुत हम लोगों ने फील्डिंग चेंज कर लिया भाई क्योंकि अगर लेग साइड के अंदर बोलिंग डालेंगे तो लेग साइड के अंदर मारने का प्रभाव ज्यादा होगा यहाँ पे सिंगल नो दो ओनली सिंगल यहाँ पर एक ही रन मिलेगा चलो सिंगल मतलब लास्ट ओवर के अंदर हम लोग कितना चाहिए और वो अभी भी एक बार बाकी है भाई गैप में ना खेल दे क्योंकि हम लोगों ने लेग साइड के अंदर पूरा एकदम तगड़ा फील्डिंग ट्रिप किया कैच इट नहीं होगा और सिंगल लिया दो रन नहीं भाई और सिर्फ 4 बॉल बाकी है क्या हम लोग मैच जीत सकते हैं क्योंकि 17 रन डिपेंड हो जाएगा भाई लिटरली एक बॉल में 5 रन चाहिए भाई क्या कर सकता है बेन स्टोक्स वर्सेस अरे बेन स्टोक्स आउट है मैच जीत गए आउट हो या ना हो मैच तो हम लोग जीत गए अरे बाप जोरदार अपील बेन स्टोक्स था तब भाई अगले मैच के मतलब अगले सीजन में था भाई राजस्थान में इस बार आ गया चेन्नई में क्या बात है भाई अपडेट तो करवाई जाए धोनी भाई को छोड़ दिया चेन्नई जीत गया कल चेन्नई हार गया तो क्या हुआ भाई आज तो चेन्नई हमारे साथ जीत गया ना यहाँ पे पर पुष्पा सेलिब्रेशन अच्छा था हम लोगों ने आज ये गेम क्यों खेला सब लोग पूछ सकते हैं भाई क्योंकि मैंने सुना था भाई अपडेट आ चुकी है पर कहाँ अपडेट आई है भाई मतलब स्क्वाड अपडेट नहीं किया ना कुछ अपडेट किया बोल रहे सब लोग बोल रहे थे कि अपडेट आ चुकी है एक बार खेल के देखो कोई अपडेट नहीं आया गाइस हम लोग वापस जा रहे हैं हमारे टूर्नामेंट के अंदर कल आ जाएगा हमारा RCPL का 2023 का सेकंड लुक आ जाएगा जैसे फर्स्ट लुक के अंदर हम लोगों ने सपोर्ट किया था तो इस वीडियो की सपोर्ट कर देना अगर एक लाइक कर देगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा अगर चैनल पे न्यू है तो भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना तो मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर Love you.